मेरा नाम है शिवम लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स बहुत ही फेमस चैप्टर है जिसे लिखा है आर.के. नारायण जी द्वारा। आर.के. नारायण जी द्वारा लिखित स्वामी एंड फ्रेंड्स उनकी सबसे बहुचर्चित कहानियाँ रही हैं, जो कि एक छोटे से बच्चे की कहानी है और जिसके आसपास सभी ये कहानियाँ घटित होती है। दोस्तों आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मंडे मॉर्निंग। लेकिन सबसे पहले हम आर.के. नारायण जी के बारे में जानेंगे। आर.के. नारायण, आर.के. नारायण जी का जन्म हुआ था 1906 को और इनकी मृत्यु हुई थी 2001 में। दोस्तों अब आप आर.के. नारायण जी का एक फोटोग्राफ इस स्लाइड में बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे। आर.के. नारायण जी का पूरा नाम है रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, यह इनका पूरा नाम है। आर.के. नारायण जी ने अपनी पहली नॉवल लिखी थी जिसका नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो कि उन्होंने 1935 में लिखी थी और आज हम इसी नॉवल का चैप्टर 1 यानी कि मंडे मॉर्निंग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आर.के. नारायण जी ने अपना एक काल्पनिक शहर गढ़ा था जिसका उन्होंने नाम दिया था मालगुड़ी। मालगुड़ी वह शहर है जिसमें भारत की अनेकोनिक कहानियां घटित होती है। दोस्तों ठीक इसी नाम से दूरदर्शन पर पहले एक सीरियल भी आया करता था। आर.के. नारायण जी को पद्मभूषण, पद्म विभूषण एवं साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। अब हम बात करेंगे आर.के. नारायण जी के कुछ बहुत ही फेमस वर्क के बारे में, जैसे कि गाइड, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इंग्लिश टीचर आदि। दोस्तों इसमें आप जो ये जो गाइड उनका जो वर्क है बहुत ही फेमस वर्क है और ठीक इसी नाम से बॉलीवुड में एक पिक्चर भी बन चुकी है जिसमें हीरो थे देवानंद साहब। दोस्तों अब हम इस स्टोरी पर आएंगे और जिसको मैं आपको बड़े ही डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कहानी की शुरुआत होती है मंडे मॉर्निंग से यानी कि सोमवार की सुबह से। जैसे ही सुबह होती है स्वामीनाथन अपनी आंखें नहीं खोलना चाहता। उसके हिसाब से मंडे कैलेंडर का सबसे खराब दिन है क्योंकि शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद उसे फिर से अनुशासन में आना पड़ेगा और स्कूल जाना पड़ेगा। वह स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, उस पीली बिल्डिंग में जहाँ पर टीचर्स उसका इंतज़ार कर रहे हैं और बड़ी बड़ी आँखों से उसे घूर रहे हैं एवं हेडमास्टर साहब एक बड़ा सा डंडा लेकर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वह यह सब चीज़ें सोचता है वैसे ही वह कांप जाता है। ठीक उस समय 8 बज जाते हैं और स्वामीनाथन अपने फादर के ड्रेसिंग रूम में जाकर अपनी डेस्क के पास बैठ जाता है। तभी वह अपनी आँखें इधर उधर घुमाता है तो वह आसपास अपने बहुत सारी बिखरी हुई चीज़ें देखता है, जैसे कि उसका कोट, कैप, स्लेट, इंक की बॉटल और बहुत सारी बुक्स। ये सभी चीज़ें एक बड़े से पहाड़ के रूप में रखी हुई होती है। तभी वह अपनी आंखें बंद करता है और फिर वह यह सोचने लगता है कि उसको स्कूल में कौन कौन सा काम दिया गया था। तब उसके ध्यान में आता है कि उसे अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस के उसको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, इंग्लिश का 1 पेज कॉपी करना होता है एवं जो कठिन शब्दार्थ होते हैं उनका अर्थ भी डिक्शनरी में से देखकर उसे लिखना होता है। इसके अलावा भी ज्योग्राफी में उसको बहुत सारा काम रहता है। इतनी सारी चीज़ें करने के लिए होती है और मात्र उसके लिए उसके पास 2 घंटे होते हैं स्कूल जाने के लिए। अब चलते हैं आगे। वेद्यागम जो कि स्वामी के टीचर हैं वह पूरी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। वह अपनी आँखों को बड़ा कर पूरी क्लास को इधर उधर देखते हैं और उन पर निगरानी रखते हैं। स्वामीनाथन की क्लासरूम में एक बहुत बड़ी खिड़की है जिसमें लोहे के सरिये लगे हुए हैं। वहाँ से एक बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई देता है। स्वामीनाथन जब बाहर देखता है तो उसे कुछ छोटे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक ही उसे एक रेल दिखाई देती है जो कि 12:30 बजे सरयू नदी के ऊपर से गुजरती है। यह सब दृश्य देख के उसे अच्छा लगता है और वह क्लास में उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता बल्कि वह हर समय बाहर ही देखता रहता है। ठीक कुछ समय बीत जाता है और फिर वेद्यागम जो कि उन्हें पढ़ा रहे होते हैं वह कुछ समय का ब्रेक लेते हैं और 15 मिनट के बाद वही अर्थमेटिक का टीचर बनकर वापस क्लासरूम में आ जाते हैं। इन सब बातों को देखकर
अचानक उसका ध्यान फिर क्लासरूम में आता है और वह टीचर की बात सुनने लगता है, और जैसे ही वह उनकी बात सुनता है वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उसे कुछ कुछ नींद नींद सी आने लगती है। टीचर अब सभी से होमवर्क के बारे में पूछते हैं। इस बात को लेकर स्वामीनाथन कुछ परेशान सा हो जाता है। तब टीचर कहते हैं, स्वामीनाथन अपना होमवर्क दिखाओ। तब स्वामीनाथन अपने बेंच से खड़ा होता है और अपनी नोटबुक ले जाकर टेबल पर रख देता है। तब टीचर सभी क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से देखते हैं और उन्हें जांचते हैं, और स्वामीनाथन अपने टीचर के चेहरे पर देखता है। उनका चेहरा बड़ा ही उतरा हुआ सा दिखता है। टीचर सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं और स्वामीनाथन को डांटते हैं, क्योंकि स्वामीनाथन ने पेज के अंत में बहुत ही खराब राइटिंग से लिखा हुआ होता है, और टीचर उसको एल्बो के ऊपर नोचते हैं जिससे स्वामीनाथन को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, और फिर वह उससे कहते हैं कि जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। नेक्स्ट पीरियड होता है हिस्ट्री का, जिसे डी पिल्ले ही लेते हैं। सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि डी पिल्ले के बारे में कहा जाता है पूरे स्कूल में कि वे बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, बहुत ही ज़्यादा मजाकिया हैं, और वे कभी भी बच्चों को नहीं मारते एवं हमेशा उनसे बातचीत करते रहते हैं। सभी बच्चे इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वे बच्चों को वास्को डिगामा के बारे में पढ़ाते हैं, क्लाइव के बारे में पढ़ाते हैं, हेस्टिंग के बारे में पढ़ाते हैं, और यह भी बताते हैं कि इतिहास में कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई हैं। डी पिल्लई बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहते हैं हमेशा, क्योंकि कहीं हेडमास्टर उनकी क्लासरूम में आके उनकी जांच ना कर ले, इसलिए वे हमेशा बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहते हैं। दोस्तों अब हम चलेंगे आगे। अगले दिन स्वामीनाथन स्कूल आधा घंटा पहले आ जाता है। अक्सर जब वह पहले आ जाता है तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वह इमली के पेड़ के नीचे गड्ढे बनाकर खेलता है, लेकिन वह आज कोई भी खेल नहीं खेल रहा था, लेकिन अपने ख्यालों में बस खोया हुआ था। स्वामीनाथन के केवल 4 दोस्त हैं, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। यह है सोमू, यह है शंकर, यह है मणि और यह है सैमुअल। अब हम बात करेंगे सोमू की। सोमू के बारे में ये कहा जाता है कि वह पूरी क्लास का मॉनिटर है। वह बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला बच्चा है। इसी के साथ वो अपनी सभी मुश्किलें बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता है। सोमू हमेशा शांत रहता है और टीचर्स उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि उसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर उससे टीचर कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उनका बहुत ही आसानी से जवाब दे देता है। अगला कैरेक्टर है शंकर का। शंकर एक ब्रिलियंट बॉय है। उसे हमेशा 90% से ज़्यादा मार्क्स पूरे स्कूल में आते हैं, और उसके बारे में एक चीज़ कही जाती है कि वह मैथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स में कर देता है। और एक अफवाह जो कि पूरे स्कूल में फैली हुई है शंकर के बारे में, वह यह है कि वह अगर टीचर से क्वेश्चन करने लग जाए तो उसके सवालों का जवाब टीचर्स भी नहीं दे पाएंगे। दोस्तों अगला कैरेक्टर है मणि का। स्वामीनाथन और मणि की बहुत ही गहरी दोस्ती है, और मणि के बारे में कहा जाता है कि वह माइटी गुड फॉर नथिंग है। मणि इन सभी से ज़्यादा स्ट्रांग है और वह इन सभी से ज़्यादा बड़ा भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं वो हाइट में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इनसे। मणि अपने होमवर्क के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करता। उसे पढ़ने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और वह हमेशा लोगों को परेशान करता रहता है। अगला कैरेक्टर है सैमुअल का, और सैमुअल को मटर भी कहा जाता है क्योंकि वो साइज़ में छोटा है, और स्वामीनाथन और सैमुअल में बहुत सारी समानताएँ हैं क्योंकि दोनों ही साइज़ में छोटे हैं और दोनों ही मैथमेटिक्स से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। सैमुअल और स्वामीनाथन की दोस्ती बहुत ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन जब भी कोई हंसी मजाक होता है तो स्वामीनाथन और मटर यानी कि सैमुअल हमेशा साथ में मिलकर हंसी मजाक करते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा चैप्टर। मैंने इस पूरे चैप्टर को बहुत ही डिटेल में और बड़ी आसानी से आप सभी को समझाने की कोशिश की है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करता हूँ कि अगर आपके घर के आस पास अगर जगह है तो वहाँ पर एक पेड़ ज़रूर लगाइए। आपने मुझे इतना समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।